Need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. हमको लिट लगता है लिटरली, और ये कस्टमाइज्ड है सबसे बड़ा बात। दिस इज मॉडिफाइड, मतलब ये मॉडिफाइड तो नहीं बोलेंगे इसको, रिस्टोर करके एक डर्ट बाइक का लुक दिया हुआ है पूरा, देख रहे हो, मतलब वो प्रॉपर रैली रैली वाला फीलिंग आ रहा है। ऑफ रोड में ले जाने का मन कर रहा है, लेकिन इसमें डिक्स नहीं है तो ज़्यादा इसमें हम छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। दिस टैंक इज़ अ बिट मॉडिफाइड, ठीक है, शायद हैंडमेड है हमको जितना लगता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। एंड नियॉन कलर, एक्चुअली नियॉन नहीं बोलेंगे इसको, लेट्स काइंड ऑफ लाइम ग्रीन कलर में पेंट हुआ है पूरा, ठीक है। सो भाई ने तो कस्टमाइज मस्त किया, एंड बहुत दिन बाद एक फ्रेश गाड़ी मिल रहा है, ठीक है। मैं इस गाड़ी को ख़रीदने का बहुत कोशिश किया, मतलब इससे नहीं, मैं ढूंढ रहा था मार्केट में, बट आइदर जो है वो ख़राब है या फिर जिसका पास सही है वो बेचने के लिए तैयार नहीं है, सो दैट्स द इशू। सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा कि साला 1990 का गाड़ी KTM का ऐसे इतना लेटेस्ट मॉडल को कैसे हरा देगा, बट यही कड़वा सच है मेरे दोस्त। दिस कैन स्मोक अ ड्यूक 390, आई मीन नया वाला BS6 जो है अनप्रोवन। अगर वैसे कुछ वीडियो मांगता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा RX वर्सेस ड्यूक, ठीक है। प्रॉपर डर्ट बाइक वाला फीलिंग आ रहा मेरे दोस्त से यार। वही पुराना आवाज, ओह माय गॉड, मतलब क्या बोले, दिस इज एक्चुअली इनसेन। मतलब मैं अभी धीरे धीरे चला रहा हूँ, ये एक्चुअल पॉकेट रॉकेट। अरे भाई मस्त चीज़ है, मतलब वी डोंट हैव एनी लाइक वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस बाइक। और जो रियल पैशनेट बाइकर्स हैं देर नो दैट इस बाइक का एक्चुअल क्रेज क्या है, ये बाइक एक्चुअल में क्या चीज़ है, नेक्स्ट लेवल है भाई। सो एक्चुअली इस बाइक को रोड से ज़्यादा मज़ा ऑफ रोड में चलाने का है। मैं एक बार राइट साइड में हल्का सा घूमूंगा जस्ट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, सिर्फ देखूंगा इसका ऑफ रोड मतलब कैसा लगता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम RX 100 ऑफ रोड में चला था और ये तो पूरा डर्ट बाइक ही बना हुआ है। चलो एक बार ऑफ रोड लेके चलते हैं। ओ वाओ ऑफ रोड, ओ भाई मज़ा आ रहा। चलो फिर ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अनन रास्ता है, साला बाइक को ही छीन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। घुमा लेता हूँ आगे से, मतलब यहीं से घुमा लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं जाना। ओहो बारिश आ रहा है यार, बारिश, अरे यार बारिश ना आ जाए पूरा वीडियो बनाने का मज़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। अरे भाई तेल ख़त्म नहीं है ना भाई इसका। ओ भाई अचानक से पावर पकड़ लिया यार, प्योर डर्ट बाइक ही ऐसा बोल सकते हो तुम।
देखो 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 कैसे मैं इसको ऑफ रोड में लेके खेल रहा हूँ। देखो लाइट वेट निम्बल। ओहो अबे ये व्हीली मार रहा है साला। हाँ ये व्हीली मार रहा है। अगर 1990 का गाड़ी 2020 में व्हीली मारेगा वो भी एक ऐसा गाड़ी जो पैशनेट बाइकर्स के लिए है सिर्फ, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं खांस दे इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कोविड है, इसका मतलब ये है कि मेरा मुंह के अंदर बग्स चल गया था उसीलिए मैंने खांसा। तो डोंट टेक मी रॉन्ग, बैड जोक था। तो चलो अब चलते हैं छोटा सा एकदम ऐसे थोड़ा बहुत ऑफ रोड्स में। मैंने इस बाइक का रिव्यू ले लिया, मज़ा आएगा। ये सब टेरेन में भी चलाने को मज़ा आएगा। बट अभी फ़िलहाल बारिश हो रहा है, आई मीन बारिश आ रहा है, बारिश होने रहा, बारिश आ रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ जहाँ से मैं आया वहाँ तक चल जाने का। बारिश आ गया, बारिश आ गया, बारिश आ गया, बारिश मत आओ मत आओ। GoPro है साथ में, मान रहे हैं वाटर प्रूफ है, लेकिन भाई इसको रिस्क लेना खुद को, मेरे को भी नहीं भीगना यार, थोड़ा रहना पड़ेगा। आई होप अच्छा चल रहा है। ठीक है चलो आ गया बारिश। आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है भाई लोग है, सो अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, अगर आपके पास RX 100 और RX 135 है या फिर आपका RD 350 है, ठीक है, राजदूत 350, और अगर आप ये तीनों बाइक्स में से किसी को भी सेल करना चाहते हो, अच्छा ये छोड़ो, अगर कोई भी टू स्ट्रोक बाइक है आपके पास अच्छा कंडीशन में, मतलब जो कि चलने लायक है, मतलब जिसको रिस्टोर किया जा सके, सो प्लीज लेट मी नो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, सो प्लीज यार मुझे पिंग करना, क्योंकि मैं एक मतलब मेरे को एक टू स्ट्रोक बाइक का शौक है, बस मेरे को रखना है, क्योंकि हम लोग को एमिशन नॉर्म्स तो मतलब इस जनरेशन का एमिशन नॉर्म्स तो कमीशन नहीं देता, बट मेरे को ओल्ड स्कूल बाइक्स थोड़ा पसंद है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, अगर कोई सेल करना चाहते तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट गाड़ी का कंडीशन प्लीज थोड़ा सा फ्रेश चाहिए मेरे को, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम चलने लायक ना हो वैसे, ठीक है, लेकिन अगर अच्छा कंडीशन में हुआ रिस्टोर करने लायक प्लीज लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन एंड डू लाइक। और एक बात, आई अपोलोजाइज बिकॉज मेरा जो हेलमेट का माउंट था वो थोड़ा सा छूट रहा था, तो मैंने ना GoPro के साथ रिक्स ना लेके उसको हाथ में मतलब मेरा पिलन जो था उसको पकड़ा दिया था सुमन को। सो द थिंग वॉज दैट इट वॉज माई फॉल्ट दैट आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन द हाइपर स्टेबिलाइजेशन मोड, तो इसका वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी हो गया। आई नो बहुत जन ये वीडियो को शायद छोड़ के जा चुके होंगे अभी, बट स्टिल आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर बाकी वीडियो पसंद आए तो, या फिर ये वीडियो भी अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोकना। बाकी मेरा चैनल थोड़ा सा चेकआउट करो, मैं ऐसे ही कंटेंट बनाते रहता हूँ, मोटरसाइकिल रिव्यूज और ट्रैवल व्लॉग्स एंड ऑल। और अगर मेरा कंटेंट पसंद है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू बडीज, बाय बाय।